हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग MEG 05 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे जो कि दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्कस अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशंस। सेकंड क्वेश्चन इज़ डिस्कस अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्लेटोज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आर्ट्स। तो ये जो है अरिस्टोटल एंड प्लेटो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉलरिज। कॉलरिज जो है आपका रोमांटिसिज्म से है, तो आप ये फैंसी और इमेजिनेशन ज़रूर करके जाइएगा। एक्सप्लेन वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ का हमेशा आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका रोमांटिसिज्म से ही है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एक्सप्लेन पीवी सैली अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। ये जो है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और पीवी सैली, ये तीनों में से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर रहता है, आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइए रिचार्ड्स कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विस्मैट नोशन ऑफ द इंटरनेशनल फैलेसी। ये जो है आइए रिचार्ड्स जो है आप ज़रूर करके जाइएगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इंटरनेशनल इन फैलेसी भी हमेशा आता है। एक्सप्लेन मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी जो है। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये हमेशा जो है इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन को घुमा कर जरूर दिया जाता है, तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इसमें से घुमा कर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हर बार के टर्म एंड के एग्ज़ाम में देखा गया है कि इसमें से कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन रूम ऑफ वर्म्स ऑन बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो ये जो है क्वेश्चन है आपका फेमिनिज्म से है, इसे फेमिनिज्म से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये फेमिनिज्म का ये वर्जीनिया वुल्फ जो है ज़रूर देख कर जाइएगा, इसके कि क्या क्या इनका वर्क था ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। द नेक्स्ट इज़ कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड सेक्स। ये भी जो है फेमिनिज्म का ही है, तो फेमिनिज्म से क्वेश्चन ज़रूर आता है, जहाँ मैंने पहले भी बोला था, तो आप ज़रूर जो है आप जो है ये फेमिनिज्म से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करूँगी, तो आपको पता चल पाएगा। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर ले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेन सॉल्टर्स कंट्रीब्यूशन टू फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म। जैसे मैंने बोला था फेमिनिज्म से भी आता है क्वेश्चन, तो ये वर्जीनिया वुल्फ और ये तीन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डेथ ऑफ द ऑथर ऑथर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द अप्रोचेस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकन्स्ट्रक्शन। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये हर बार के टर्म एंड एग्ज़ाम में, अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस पेपर में देखेंगे तो हर बार के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। भले क्वेश्चन डिफरेंट हो, पर अगर आप ये पढ़ लेंगे एक बार भी, अगर आप ये रीड कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आए आप उसे जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड ईजिली जो है 60-70% आप लेकर आ सकते हैं। तो आप सिर्फ जो है ये सारे जो भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ये कॉन्सेप्ट में मेन पॉइंट बता रही हूँ, तो इन सब का कॉन्सेप्ट को जो है एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कौन सा क्वेश्चन के ऊपर जो है आपको वीडियो बनाकर बताऊंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन माइकल फोकल्स व्यू ऑन डिस्कोर्स एंड पावर, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
तो मैंने आपको इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इजीली जो है मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एडवर्ड सेड। यहाँ पे टाइपिंग एरर आया है, ही हो गया है, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन लैकन्स मेन कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल थ्योरी। ये भी जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। आप चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, जो कि वेबसाइट इग्नू के वेबसाइट में दिया रहता है, उसे मिलाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि मैंने कहा था 20 क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, तो उनमें से नेक्स्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था एरिस्टोटल और प्लेटो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी तरह से हर बार जो है क्वेश्चंस में आता ही है, तो इसलिए ये कमेंट ऑन प्लेटोज व्यूज़ ऑन पोएट्री, ये अरिस्टोटल प्लेटोज, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अरिस्टोटल ट्रेजिडी जो 6 एलिमेंट है ट्रेजिडी का, उसका मैंने जो है शॉर्ट वीडियो एक डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। देन है नेक्स्ट जो है वह हमारा शॉर्ट नोट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सा शॉर्ट नोट्स जो है आपको पढ़ कर जाना है, तो ये सारा जो है आप पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।